गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण भाग 2। मेरा नाम निशि अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। आज हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और ब्रैकेट में उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है अमाशय, मुख, शुद्रांत्र, बृहदान्त्र। बच्चों, वसा का पाचन कहाँ पे ख़त्म होता है? शुद्रांत्र में। और वसा का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। तो हम यहाँ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे स। प्रश्न 2, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र, बृहदान्त्र। बच्चों, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बृहदान्त्र में। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे द। प्रश्न 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। मानव पोषण के मुख्य चरण डैश एवं डैश है। बच्चों, मानव पोषण में 5 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। फिर क्या होता है? पाचन। इसके बाद अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, और फिर निष्कासन।
ये पांच मानव पोषण के मुख्य चरण हैं। ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है, कौन सी होती है बच्चों? यकृत। ग, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं डैश का स्राव होता है। पाचक रस, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ग, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली नुमा प्रवर्ध हैं जो डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रसांकुर। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। कहाँ करता है? खाद्य धानी में। ठीक है बच्चों, प्रश्न चार, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी सही है, तो सत्य पर निशान लगाएंगे, और अगर गलत है तो असत्य पर। क, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तुमने पढ़ा था ना, मंड का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, तो ये कथन क्या हुआ? असत्य। हम असत्य पर निशान लगाएंगे। ख, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बच्चों, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ नहीं मिलाती, लार को मिलाती है, तो हम यहाँ असत्य पर निशान लगाएंगे। ग, पित्ताशय में पित्तरस अस्थाई रूप से भंडारित होता है, ये कथन सत्य है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न पांच, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कॉलम से कीजिए। बच्चों, यहाँ कॉलम ए में कुछ खाद्य घटक दिए गए हैं जिनका मिलान कॉलम बी में दिए गए पाचन के उत्पाद से करना है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है बच्चों? शर्करा, तो हम इसको मिला देंगे।
प्रोटीन, प्रोटीन किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल। वसा, वसा से क्या बनता है बच्चों? वसा अम्ल व ग्लिसरॉल। प्रश्न 6, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। बच्चों यहाँ हमें कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से करना है। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि क्या करती है? लाला रस स्रावित करना, तो इसको इससे मिला देंगे। अमाशय, अमाशय क्या करता है बच्चों? अम्ल का निर्मोचन, जिससे भोजन पचाने में मदद मिलती है। यकृत, यकृत का कार्य क्या है? पित्तरस का स्रवण। मलाशय, मलाशय क्या करता है बच्चों? बिना पचे भोजन का भंडारण। शुद्रांत, शुद्रांत का कार्य होता है क्या होता है इसमें? पाचन का पूरा होना। बृहदान्त्र अर्थात बड़ी आंत, इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण। ठीक है बच्चों, प्रश्न 7, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? बच्चों यहाँ हमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं, हमें बताना है कि इनका संपादन कौन से अंग द्वारा होता है। क, पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण शुद्रांत्र में होता है। भोजन को चबाना किसका कार्य है? मुंह द्वारा। जीवाणु नष्ट करना कहाँ होते हैं? अमाशय में, अम्ल के द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पूरा बृहदान्त्र। मल निर्माण कहाँ पे होता है? बृहदान्त्र। अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न 8, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहयोग करता है? उत्तर, पित्तरस का स्राव यकृत करता है। यह वसा के पाचन में मदद करता है। प्रश्नों, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रोमन्थि या रूमिनेंट द्वारा होता है। उत्तर, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट। और ये सेलुलोज किस में पाया जाता है?
घास में। और घास कौन खाते हैं? जंतु। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न 10, दीर्घ रोम क्या है? उत्तर, दीर्घ रोम शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रश्न 11, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें चित्र बनाना है और नाम भी लिखने हैं, ठीक है बच्चों? प्रश्न 12, रूमिनेंट या रोमंथी किसे कहते हैं? उत्तर, गाय, भैंस एवं हिरण आदि जैसे घास खाने वाले जंतु जो जुगाली करते हैं, उन्हें रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। प्रश्न 13, अमीबा में पाचन कैसे होता है? चित्र बनाओ। उत्तर, यह एक जलीय जीव है, यानी यह कहाँ रहता है? पानी में। यह छोटे सूक्ष्म जीवों को अपना भोजन बनाता है। जब कोई सूक्ष्म जीव इसके पास आता है तो अपने पादाब से घेर लेते हैं। खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाता है और खाद्य धानी से पाचक रसों द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है। देखो बच्चों, ये अमीबा का चित्र है। ये अमीबा पानी में पाया जाता है और ये पादाब के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे, ठीक है बच्चों? गृह कार्य, प्रश्न 1, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम लिखिए। प्रश्न 2, जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? चित्र बनाइए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको चित्र बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।